को नॉक दोबारा करेंगे बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं। ओहो, लुक एट दैट शॉट प्लेयर वन का तो दे दिया बट पीछे से कवर देना चाहिए बट वो ये क्या हो गया रोनी यहाँ पे क्लच निकाल गुजरात टाइगर्स के चार टाइगर्स लेकिन दो खिलाड़ी को ऑलरेडी डाउन किया जा चुका है एक ही को देख लिया हालांकि प्रिंस को डाउन किया गया था बट फ्लैश बैंग का वहां पे इस्तेमाल किया गया और दूसरे खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा कम्फर्ट देखते थे कि डू और डाई वो बिखर से गए। आज के पहले मुकाबले शिफ्ट वेस्टर्न इलाकों की तरफ आप देखिए वो भी कुछ खास कर नहीं सकते बट चलिए कम से कम कार्नेज उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया। अच्छी खबर ये रही एचजी के लिए कि उन्होंने समाप्त नहीं किया आते हैं और उन्होंने पुश कर भी दिया बट देखना ये है कि अब जो फिनिशेस हैं वो टीम सिस्टम निकाल के जाने वाली है या फिर कोई और वहां पे यश एक उनका मॉल ही आया और देखते देखते क्या पूरी सेवन शोर की स्क्वाड वो एलिमिनेट हो गई क्या वहां पे जाके वो फिनिश करना चाहेंगे उस प्लेयर को बट सौम्या अभी भी कोशिश कर रहे थे एक बढ़िया ग्रेनेड और इसी के साथ कुंज को भी डाउन किया गया क्लेवर उनको भी डाउन किया गया ब्लैक ही उनको भी नॉक कर दिया गया मैं प्लेयर वन की प्लेयर थ्री अपने आपको हील करने की कोशिश बट बहुत ज्यादा ओपन में वो अपने आपको हील कर रहे थे बट चलिए कम से कम प्लेयर नंबर वन उन्होंने कमान संभाली एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया और सामने एचजी के अभी भी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे बट कुछ खास कमाल वो नहीं कर पाए बट फिलहाल के लिए बीबी की स्क्वाड टाइटन की फाइट होते हुए आपको दिखाई देगी उज़ुमाकी उनको डाउन किया गया जैंस के द्वारा सर्वे पीछे मौजूद थे उन्होंने जैंस को डाउन किया शैडो उनको भी नॉक किया जाएगा और टाइटन मोस्ट प्रोबब्ली एक आखिरी खिलाड़ी के साथ समाप्त किया गया बीबी की स्क्वाड अभी एक खिलाड़ी उनका डाउन है बट इसी के साथ देखते देखते टीम वेलोसिटी उनका भी आगमन हो चुका है इसे वहां पे निक को डाउन किया गया उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा और देखते देखते एचजी के तीन खिलाड़ी डाउन कर दिए गए वो आखिरी खिलाड़ी वहां पे मौजूद था सौम्या उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा जैजी उस आखिरी खिलाड़ी को उन्होंने समाप्त किया और मॉर्टल को डाउन किया और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं जैजी अपनी टीम से और उन्हें तीन प्राइज निकाल चुके हैं मौका उनके पास एक क्लच निकालने का पहले प्लेयर को बहुत टाइम दिया उनको नॉक किया जाएगा दूसरा प्लेयर उनको पोजीशन शायद पता नहीं है वो दूसरी तरफ है बट क्या जैजी यहां पे एक मैजिकल क्लच करके दिखा सकते हैं वी ऑल नो ही हैज द कैपेबिलिटी वो आखिरी प्लेयर वो क्रॉस एयर प्लेसमेंट बेहतरीन तरीके से जैजी यहां पे क्लच निकालते आपको नजर आएंगे ये 1v2 बहुत सुप्रीम क्वालिटी का था बट इसी के साथ माफिया वो ग्रेनेड ही पहले स्थान पे मौजूद रहे क्योंकि बहुत सारे फिनिशर्स और प्लेसमेंट पॉइंट निकलने वाले यश का बढ़िया ग्रेनेड ओमेगा उनको भी समाप्त किया जाएगा तो वो 8 जो प्लेसमेंट पॉइंट है उनको मिलने वाला है जी हाँ यश के द्वारा उनको भी स्पॉट किया गया स्पॉट कर लिया उनको उनके ऊपर कुछ स्प्रेज यहाँ पे जरूर आए थे लखनऊ जायंट्स की तरफ से जैजी के ऊपर रश आएगा यश ऑलरेडी बहुत बेहतर खेला है आज के दिन में बट क्या वो यहाँ पे जैजी को हरा सकते हैं तक वो सर्वाइव कर पाएंगे एक और प्लेयर को स्पॉट किया बट उससे पहले ही इनसेन ने उनको खत्म किया रिवाइवल तो यहाँ पे मिल चुका है अपने आप को हील करेंगे विजुअल को डाउन किया जाएगा ये नेड गेम प्ले बहुत शानदार लखनऊ जायंट्स अभी के लिए बैकफुट पे और शानदार पुश यहाँ पे यश का कॉन्फिडेंस देखिए वो सीधा पुश कर रहे हैं एम्पर उनके पास डीबीएस उनके पास वही इनसेन जो ओपी वो भी उनके साथ पुश करते हैं एज अ टीम पूरी टीम सिस्टम का सिस्टम शानदार लखनऊ जायंट्स पूरी तरह से बिखरती हुई बट यश को यहाँ पे डाउन किया जाएगा नाउ रेज गॉट द लास्ट मैन स्टैंडिंग उनको भी यहाँ पे खत्म करा खिलाड़ी उनका नॉक नहीं हुआ करते हैं एक ऐसा मुकाबला जो आ गया तो आप फाइनल्स तक का सफर आप टेबल पोजीशन पे देखने को मिलती हुई बट उसी के विपरीत स्टेलर टाइटंस उनकी तरफ से एक जो पोजीशन है वो आता हुआ नजर आएगा सेवन शो रिपोर्ट वो काफी बेहतर तरीके से रेजिस्टेंस दिखाते हुए देखिए हमने पहले भी जिक्र किया है इस बारे में कि जब आपने फ्लैग यहाँ पे निकालने की कोशिश करी जब आपने यहाँ पे फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया तो ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते आप वहाँ पे एक कैलकुलेटिव मूव खेल सकते हैं वो ज्यादा बेहतर रहेगा बट चलिए किलर ने अगर बात की जाए सेवन शोर ईस्पोर्ट्स उनके प्लेयर्स भी आगे आते हैं वो नीड क्या कमाल का था जो नॉक प्लेयर थे वो खत्म हुए जो प्लेयर थे अपने पैरों पे वो नॉक हुए और उनका फ्लैग भी मिल जाए तक देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी एंड टीम सील They are here to seal the deal. अभी चर्चा ही कर रहे थे इस टीम के बारे में कि शतक इन्होंने मारा था पिछले राउंड में अभी एक 1v3 का सिनेरियो ये पहला नॉक निकालना चाहिए था और ये जिटर बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हो सकते हैं दूसरी तरफ से भी शॉट्स आ रहे हैं इनफैक्ट शैडो को डाउन किया जाएगा That is something जो सबको करना चाहिए बट बहुत कम टीम्स वो कर पाती है बट यहाँ पे अगर बात की जाए टीम सील की तो क्या सील वर्ड सील द डील वो कर पाएंगे बिकॉज दो प्लेयर्स उनके डाउन है और यहाँ पे सील प्लेयर वन शानदार डीबीएस के साथ अपने अपोनेंट के एक प्लेयर को नॉक दोबारा करेंगे बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं ओहो लुक एट दैट शॉट प्लेयर वन का यही तो मैं बात चुकी है मेडल स्पोर्ट्स की देखिए पिछला मुकाबला भी मेडल का बढ़िया गया नहीं था मात्र 3 अंक वो लेके गए थे और पहला पायदान उनसे दूर जा चुका है ऐसे में अगर यहाँ पर वो फिनिश होते हैं मुश्किलें बढ़ेंगी इन मेडल ईस्पोर्ट्स दे आर डन हार करने की कोशिश है जरूर निक उनको आगे जाना ही पड़ेगा एक अच्छा ग्रेनेड दिक्कतें बढ़ सकती है बट ओपन से प्लेयर्स जा रहे हैं और वहां पे अभी जॉर्ज वो स्लिट के थ्रू एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे रिटेलिएशन काफी बेहतर हो जरूर सकता है बट हिंदुस्तान गेमिंग ये बहुत बड़ा ब्लंडर एंड सेवन शोर ईस्पोर्ट्स वो काफी आसानी से वो जो फिनिशेस हैं वो अपने खाते में भरेंगे कोई बोल था ही नहीं बट सौम्या पिछले मैच के एमवीपी थे वो भी कोशिश कर रहे हैं मॉर्टल स्पॉट्स एंड डाउन टेक्स अनदर वन
कहेंगे हिंदुस्तान गेमिंग का भी खात्मा मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी। वही अगर बात की जाए टीम सील की, आई थिंक दे आर लुकिंग गुड फॉर अ विनर विनर चिकन डिनर, बट कौन है महत्वपूर्ण क्लच वो जरूर कर सकते हैं। 12 प्लेसमेंट के अंक तो उनको वैसे भी मिलने वाले स्मोक्स के अंदर गए, लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड ब्लैक ही के नतीजा देखने को मिलता है। टीम सील जाएगा इस मैच के बाद और आपकी क्रेजी ब्लैकी पिछले मैच। दूसरी तरफ टीम फ्लाई और उनके सामने रहने वाले हैं वेलोसिटी। वाओ, ये गन पहले स्विच किया जा सकता था जो सागर के ऊपर एक पुश आने वाला है। शॉटगन है उनके हाथ में, उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील आउट भी की और ये अच्छा दिखती था। एक प्लेयर को उन्होंने नॉक किया जरूर से, एक और खिलाड़ी उनके वो डाउन कर पाएंगे। पंक उनके सामने मौजूद है, पंक को भी वो डाउन करेंगे और प्लेयर को डाउन कर सकते हैं। वाई ब्रो देखने वाली बात, क्योंकि अब गन रिलोड पे जाएगी, गन स्विच करने की कोशिश जरूर से रहने वाली, बट क्या व्हाट दिक्कतें वहां पे बढ़ सकती थी, बट जैज़ी द सेवियर बहुत बड़ी जंप मारी है ओवरऑल स्टैंडिंग्स में। इसने दो मुकाबले बहुत अच्छे खेले, बट ब्लैकी बेहतरीन स्पॉटिंग प्रिसाइज स्प्रे डाउन करेंगे एक और खिलाड़ी। बात की कि प्लेयर 3 उनको भी नॉक कर दिया और दो खिलाड़ी एक साथ चढ़ते हुए नजर आएंगे, एक को नॉक किया, दो को नॉक किया, तीसरे को डाउन कर सकते थे, थोड़ा सा एम डगमगाया। स्थान पे आ चुके होंगे और उन्हें पता है ये मुकाबला उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और इसी के साथ जैज़ी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और फ्लाई हो गया, उनको भी समाप्त किया गया। के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, बट अंक उनको निकालने पड़ेंगे। बट दूसरी तरफ इमॉर्टल उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। जैज़ी गोज डाउन एज वेल, पंक वो आखिरी खिलाड़ी यहां पर बचे हैं। सारी जिम्मेदारी अब कैप्टन के ऊपर आ जरूर चुकी है, बट वेलोसिटी गेमिंग उनका खात्मा काफी ज्यादा करीब। व्हाइट हैट को भी डाउन किया जाएगा और वीकर लेके रन ओवर करने की कोशिश। टीम ग्रेट बैकफुट पर बहुत ज्यादा वो जा चुके हैं, बट एक और खिलाड़ी आएंगे व्हीकल से उतरते ही, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज खाएंगे। बट उससे पहले टीम मेडल वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ सकते हैं। फिनिश फीड उन्होंने रीड की है, क्यों जाने वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की होगी और ये अंक उनको जरूरत भी है। सबके बीच में मेडल एंड लखनऊ जायंट्स अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश। स्टेलर टाइटंस के ऊपर एक पुश करने की कोशिश, एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, किलर वो पीछे मौजूद है, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा इन फोर में अपनी जगह सुनिश्चित करते हुए। अब बारी आती है टीम सिस्टम की, यश ने पुश किया, बढ़ाते ही टॉप डॉग उन्होंने फटका दिया उस डीबीएस का, यश को डाउन किया जाएगा। कलयुग अभी भी ऊपर मौजूद है, इनसेन वो भी मौजूद रहेंगे, पैराडॉक्स उनको भी डाउन किया गया। मेडल ईस्पोर्ट्स ऑडिशन कार्ड का इस्तेमाल किया, इनको बहुत ज्यादा ओपन में, उनको भी डाउन किया गया। एक खिलाड़ी जो प्ले जोन के बाहर था वो समाप्त हो गए और सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा, आगे की तरफ जाने की कोशिश इनसेन वहां पे बिल्कुल भी वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होने नहीं देना चाहते। एक खिलाड़ी आगे जाएगा और चलिए क्यों या उनका भी समापन तो देखने को मिलता हुआ। डॉन उनको टेक डाउन किया जाएगा, इस गॉड वो आगे बढ़ेंगे, एक प्ले दिया, डैमेज दिया, डैमेज दिया, नॉक को निकाल सकते हैं, बट अभी भी हिंदुस्तान गेमिंग के नेक ओपी कर लिया, वो पीछे की सीट पे जाके बैठ गए बग्गी के, वहां से एक विजन लेने की कोशिश थी जरूर, बट प्रज्वल उन्होंने स्पॉट चैट किया प्लेयर को, लेकिन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा लीडर के द्वारा। गेमिंग पूरी तरीके से ओवरऑल स्टैंडिंग्स की टेबल्स टर्न करने वाले, देखने वाली बात, क्योंकि उज़ुमाकी उनका भी ग्रेनेड जाएगा और लखनऊ जायंट्स दोनों तरफ से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। लखनऊ जायंट्स इसी के साथ उनका भी समापन होता हुआ, क्या इतने पर्याप्त अंक उनके पास थे वो देखना पड़ेगा। ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार रहे, चिकन डिनर है वो उनके खाते में आपको आता हुआ दिखाई देगा। बैट बॉय उनको स्पॉट किया गया, सर्वित तरफ जहां पे आपको देखने को मिलेगी बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स की तरफ, जहां पे आपको देखने को मिलेगी वो चार टीम्स जो कोशिश करी यहां पे सारी टीम्स ने, अब इन टीमों के ऊपर चलते हैं। स्क्वाड मुझे लगता है इस मुकाबले में टूर्नामेंट ओरिएंटेड खेलने का सोचा इस्तेमाल किया है और देखना एडवांटेज निकाले है। रोनी एक ही हम उनके पास देखने को मिलता जरूर है, और गॉड ने उनको स्पॉट किया आराम से, डैमेज भी काफी ज्यादा दे दिया है, बट पीछे से कवर देना चाहिए, बट वो ये क्या हो गया रोनी, तो प्लेयर डाउन किया बेहतरीन तरीके से फाइव विल्टर ईस्पोर्ट्स को टेक डाउन करने की, बट अब मुश्किल एक और खिलाड़ी यहां पे उनका डाउन होता हुआ, रमन थे इस बार वो चाहिए कितने ज्यादा दूर तक वो जा सकते हैं, बट एक और खिलाड़ी मैक्सी गॉड उनको भी डाउन किया जाएगा। एफएफ की स्क्वाड एक खिलाड़ी उनका पहले ही समाप्त कर दिया गया, अमन उनको भी स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत ज्यादा, एक आखिरी गोली वहां पे पड़ेगी और इसी के साथ अमन का समापन। उनको भी पता है कि कल का दिन बहुत अच्छा रहा, 57 अंक उन्होंने निकाले हैं। टीम माया भी चार्ज किया बीआर विंटेज पे, एंकी की एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी बराबर स्थान पे जा चुकी है और अब बीआर विंटेज की बारी है और किलर आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, इसकी बहुत ज्यादा कम। चलिए दोनों टीम जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है उसके ऊपर उन्होंने खत्म करा अपने अपोनेंट्स को बहुत तेजी में और यहाँ पे अभी रुके नहीं है। ब्लैक्स ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया है, नॉक तो यहाँ पे टीडब्ल्यूओबी के प्लेयर को भी दिया जाएगा, 6 फ्लैग्स ऑलरेडी हुआ उनके लिए। टीम मायावी मीनवाल अभी जोन के अंदर आ चुके हैं, कंसिस्टेंसी अभी भी जारी है, बट रेक्स स्पॉट करेंगे टीडब्ल्यूओबी के ईविल सूर्या को और ब्लैक्स मान नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं कि यार एक फ्लैग तो मैं निकाल के जाऊंगा, दोनों की तरफ से स्प्रे आएगा, बट रेक्स फाइनली
कोशिश काफी देर से कर रहे थे और उनको उस कभी के लिए टीम मानावी का पुश देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे भी एक फ्लैग चुनाया गया, बट रेक्स जिन्होंने फ्लैग चुनाया था उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। टीम मायावी लेजेंड, उनका एक पुश देखने वाली बात है कि नेट की टीम कुछ कर पाएगी जी नहीं। भाई आपको 14 फिनिशर्स निकाल चुके टीम मायावी की स्क्वाड विक्स की, उनको भी डाउन किया जाएगा। एचपी बहुत ज्यादा कम, जी हाँ उनको भी समाप्त किया गया। बट क्लच गॉड उनके ऊपर गाड़ी चला दी, लेजेंड ने सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर आ गया, उनको भी स्पॉट किया गया। डायनेसिस वो सर्कल के बाहर लेजेंड को स्पॉट करेंगे, डाउन किया, समाप्त करने की कोशिश। समाप्त के साथ साइफर दो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, आरू द आईजीएल वो खिलाड़ी सामने मौजूद था, थंडर कैसे नहीं देखा वो। टीम को मिले अभी के लिए टीम मायावी सबसे ऊपर इलाकों में, जहां पे आपको एक आप सच में नहीं है आप जाइए मेरा मार इंपॉर्टेंट मैच शुरुआत फाइट। टीम नेड वर्सेस इनविंसिबल की फाइट हमें देखने को मिल रही है। क्रिम्सन बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी बट ही इज लुकिंग डेस्परेट। वो आठवें पायदान पे पहुंच चुके हैं और आते ही एक अग्रेसिव पुश और यहाँ पे उनको भी पता पीछे हटते हुए नजर आए। देखिए पीछे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं। बट नेड ये जो बैकफायर उन्होंने किया ये भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। बट क्रिमिश करते दो तरफा वार आपको नजर आएगा दोनों प्लेयर्स की तरफ से। बट दैट स्प्रे वाज ब्यूटीफुल, प्रो ने एक प्लेयर को तो डाउन किया और ये तीन प्लेयर्स के साथ आगे खेले। बट वन टू वन का कॉम्पिटिशन बेहतरीन अब बनता हुआ आपको नजर आया वर्सेस नेड के बीच में। और ये नॉक प्लेयर्स को फिनिश करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। व्हाट एगी जो है वो डाउन हो जाएंगे एजे के मोलोटोव से। ये एक बहुत खराब चीज जरूर से साबित हो सकती है, उसके लिए बढ़ सकती है एक 4v4 की प्रॉपर फाइट। और ये जंग चल रही है इस कंपाउंड के लिए जो दोनों ही टीम्स को बहुत डेस्परेटली चाहिए। बट डीएमडब्ल्यू पूरी तरीके डिवोटी, उन्होंने पहले भी अपनी टीम को ऐसी मुश्किलों से बाहर निकाला है। बट मोनार्क उनको भी डाउन किया जाएगा और अब ऑफिशियल उनका खात्मा, मात्र 4 फिनिशर उन्होंने निकाले हैं। और बीआर की स्क्वाड वो भी डिवोटी ने पहले भी ऐसा करके दिखाया और इस पर एक और प्लेयर वहां पे डाउन होता आपको नजर आएगा। बट वो दूसरी टीम टीम मायावी उनका आगमन, डिवोटी हैज डन इट, डिवोटी हैज डन मिरेकल्स अगेन। लेकिन अभी के लिए टीम न्यूमन वर्सेस गुजरात टाइगर्स, उनकी भी फाइट वापस से रिज्यूम होती हुई नजर आएगी। न्यूमन गेमिंग थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर से नजर आ रहे हैं, एक 2v3 में कन्वर्ट की है इस फाइट को। बट अब उनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से रिवील्ड आउट देखने को मिल जाएगी। अभी ने एक 1v4 क्लच भी निकाला था बट शायद आज वो दिन नहीं। अभी वहां पे टेक डाउन किए जाएंगे और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं और सामने है गुजरात टाइगर्स के 4 टाइगर्स, लेकिन 2 खिलाड़ी को ऑलरेडी डाउन किया जा चुका है एजे। उनको आगे जाना पड़ेगा वरना वहां पे वो जो फिनिशेज है वो भी सिक्योर किए जा सकते हैं। मात्र 3 बुलेट उनकी S12K में मौजूद है, स्विच किया बट डाउन किए जाएंगे, एलिमिनेशन न्यूमन गेमिंग का। लेकिन डीपीएस नहीं है डायनेसिस के पास, एकेएम का प्रहार करने की कोशिश हो सकती है बट प्रिंस के बीच वो फंसते हुए नजर आएंगे एजे, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। आतंकी उनका भी आतंक देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते गुजरात टाइगर्स वो अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। 10 फिनिशर्स ऑलरेडी उनके पास थे जरूर और आप उसको अब 14 करते हुए नजर आ सकते हैं। एकी उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। 14 रिक्यू में जब भी ऐसा सोच रहा हूं तो थोड़ा फिलहाल मैं और मेजी मिडवे ई-स्पोर्ट्स के हैं और इस मुकाबले में डैमेज दिया जा सकता था प्रॉपर वो ग्रेनेड को हुआ नहीं बट डीपीएस का इस्तेमाल करने की कोशिश रहेगी। बट एकेएम इनके हाथों में प्रीत वो थोड़ा सा लड़खड़ाए, एम बहुत ज्यादा चूका और इसी के साथ वो भी डाउन किया जाएगा। और प्रिंस एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया और टीम इनविंसिबल बची रहेगी मात्र एक लौते खिलाड़ी के साथ। चलिए उनको भी बाहर का रास्ता दिखा। ग्रेनेड कोक जरूर कर रहे थे बट उन्होंने अपने आप को रोका बट वो दूसरा ग्रेनेड जाएगा अर्श गॉड का और वहां पे एजे को टेक डाउन किया गया। ये ज्यादा बढ़ जरूर सकती है एगी के पास, डीबीएस से सामने एकेएम का प्रहार करने की कोशिश बट डीबीएस एक बार फिर से जीतेगी। एगी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि डीबीएस से नॉक निकाला जाए, निकी को देख लिया, हालांकि प्रिंस को डाउन किया गया था बट फ्लैश बैंक का वहां पे इस्तेमाल किया गया और उसके चलते वो खिलाड़ी जो सामने मौजूद वो ब्लाइंड हो गए और उसी के साथ साथ एफएम की स्क्वाड उनका भी एलिमिनेशन। बट टीम मायावी वर्सेस यूके 07 लेजेंड को नॉक किया गया। लेंगे की जो एक्स्ट्रा फिनिशेस है वो खुद के लिए निकाल पाए प्रो, अभी भी कोशिश कर रहे हैं बट लेजेंड समाप्त हुए तो सही बट यूके 07 वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और किया गया। बट साथ अभी भी उनको रिवाइव देने की जरूरत हो सकती है बट दूसरी तरफ एगी उनको नॉकआउट किया जाएगा। स्प्रे देने की कोशिश, डिवोटी को डैमेज बहुत ज्यादा दिया है बट अभी भी गुजरात टाइगर थोड़ा बैकफुट पर। प्रिंस उनको भी डाउन कर दिया जाएगा, सुनामी यहाँ पे मौजूद है और देखना ये है कि एजे वो कितना साथ दे सकते हैं। बट डीएमडब्ल्यू वो चाहते हैं एक्स्ट्रा फ्लैग निकालना, उनको भी पता है सामने कौन सी टीम है, एक खिलाड़ी को फिनिश किया गया बट आउटकास्ट वो अभी भी कोशिश करते हुए। सुनामी डैमेज बहुत ज्यादा दिया बट वो खिलाड़ी नॉक नहीं कर पाए और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं एजे अपनी टीम से। हिटलर उनको डाउन किया गया और एजे उनका भी समापन और देखते ही देखते गुजरात टाइगर्स कुछ मेजर रोड़े देखने को नहीं मिलेंगे, वो आगे बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेड की जो फाइट है वो हमें देखने को मिल जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट नेड ऑफिशियल के लिए। और सामने रिडेम्पशन क्रू डैमेज बहुत ज्यादा ऑलरेडी दे चुके, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे क्रिम्सन और अब बस देखते आरसी की स्क्वाड वो पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है।
वही अब एक आखिरी खिलाड़ी उनको ही बाहर का रास्ता दिखाया टॉप बट चारों खिलाड़ियों को देखो फ्लैशबैक का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया और इसी के साथ भालू सबसे पहले उनको डाउन किया गया और दूसरे खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा कंबट देखते थे कि डू और डाई वो बिखर से गए एक आखिरी खिलाड़ी वहां पे मौजूद और उनको भी डाउन किया जा सकता था बट नहीं यहां से वो लेकर के जाने वाले हैं। ओ अगर हम बात करें दूसरी तरफ एक नॉक निकाला गया आदि के द्वारा बट उनको स्पॉट किया जाएगा और आदि उनको टेक डाउन किया गया इसी के साथ डू और डाई ऐसे एक तो उनके पास रहेगा। चलिए की तरफ जहां पे क्लियर पता चलेगा कौन क्वालिफाई हुआ कौन नहीं हुआ पर वैसा नहीं हो पाया वो नीचे आए और फाइव फिल्टर उतना बड़ी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मिलेंगे अगली बार टेक केयर एंड पीस आउट।